हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जी हाँ, वीडियो रिजल्ट के लेकर। वीडियो रिजल्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले सप्ताह बुधवार को जारी कर दिया गया था देर शाम को। अब रिजल्ट को लेकर जो गहमागहमी बनी हुई है कि क्या वीडियो रिजल्ट दोबारा आएगा, तो उसके संबंध जो खबर निकल के आ रही है और जिन लोगों को आयोग ने बैठक करने के बाद जो लोग पकड़े गए थे 136 लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है। हम पूरी खबर विस्तार से लेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का लाल बटन आपके रेड साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा मित्रों, आप उसको जरूर दबा लीजिए। ओके, साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। तो चलिए ले लेते हैं मित्रों, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत ही बड़ा जो है डिसीजन ले लिया है, एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है उन 136 कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। पूरी खबर विस्तार से लेते हैं हम लोग अब आगे बढ़कर। तो ये बड़ी खबर जो निकल के आ रही है मित्रों कि देख सकते हैं आप, 136 जो अभ्यर्थी थे उन पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है मित्रों। जांच में आप देख सकते हैं 3 वर्ष का प्रतिबंध तथा जांच में फंसे परीक्षा केंद्र पर आजीवन बैन। तो ये देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र यानी परीक्षा देने वाला तथा परीक्षा कराने वाला सेंटर, दोनों इसके जो है इस दंड के भागीदारी बने हैं। तो आप देख सकते हैं लखनऊ से खबर, यूपी SSSC द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण परीक्षा में 136 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी पाने का प्रयास किया। पड़ताल में फर्जीवाड़ा सामने आने पर चयन आयोग ने बैठक की और निर्णय लिया कि फर्जीवाड़े में शामिल 136 अभ्यर्थी अब आगे 3 साल तक आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। साथ ही उन परीक्षा केंद्रों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। विभाग के अनुसचिव ने विभूतिकरण थाने में इसके संबंध रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। रिपोर्ट दर्ज कराई UP SSSC के सचिव राम नरेश प्रजापति ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक समाज कल्याण की लिखित परीक्षा हुई थी, जो आप जान सकते देख सकते हैं मित्रों। उक्त परीक्षा 16 जनपदों के 572 परीक्षा केंद्रों पर 22 दिसंबर व 23 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित हुई थी। आयोग द्वारा परीक्षा में उत्तर पत्रांक की 3 प्रतियां तकनीकी संस्था के माध्यम से तैयार कराई गई थी। तो आप देख सकते हैं मूल्यांकन के लिए मूल पत्रांक को संस्था द्वारा आयोग मुख्यालय मूल्यांकन के लिए लाया गया और दूसरा पत्रांक संबंधित जिले के कोषागार में परीक्षा के दिन सुरक्षित जमा कर दिया जाता है। तीसरा पत्रांक अभ्यर्थी परीक्षा खत्म करने के बाद दे जाता है और मूल उत्तर पत्रांक तकनीकी संस्था से मूल्यांकन के लिए, यहाँ से देख सकते हैं आप, मूल्यांकन कराकर अभ्यर्थी का प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है। बीते 26 अगस्त को आयोग ने निर्णय लिया कि परीक्षा पड़ा तैयार करने वक्त 215 कोषागार OMR प्रतियों का मूल OMR से मैनुअल मूल्यांकन कराने के, देख सकते हैं आप आगे, यानी उन 136 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने तथा आप देख सकते हैं साथ ही जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं उन्होंने दी थी उन्हें भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा का परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। आरोप है कि उन अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। आरोपित अज्ञात के साथ मिलकर आयोग की छवि को धूमिल किया। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं अगर पेपर लीक होता है या कोई गड़बड़ी हो तो निश्चित तौर पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो है छवि तो धूमिल होगी होगी मित्रों। शिकायत के आधार पर विभूतिकरण पुलिस ने 136 अभ्यर्थियों के खिलाफ जारी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने का रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों आप लोगों के लिए कि 136 अभ्यर्थी अब वो 3 साल के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर कोई और बोर्ड परीक्षा करवाता है तो उत्तर प्रदेश की तमाम जो बोर्डें हैं या चयन आयोग हैं वो अब उस परीक्षा में 3 साल के लिए डिबार उनको घोषित कर दिया गया।
और साथ ही जो परीक्षा केंद्र थे उनको आजीवन जो है आयोग की परीक्षाओं से वंचित रखा जाएगा। ये बड़ा जो है आयोग ने डिसीजन लिया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डिसीजन लिया है। तो ये पूरी खबर थी वीडियो रिजल्ट को लेकर के। अब बड़ी गहमागहमी ये है कि क्या वीडियो रिजल्ट दोबारा आएगा। तो मित्रों आप बताइए, इसमें अभी जो है जितना तक मैं बता रहा हूँ कि जितना मामला अभी प्रकाश में है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहाँ पता चल रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वीडियो रिजल्ट को लेकर के गड़बड़ी हुई है। अभी हमारे पास कोई ऐसे सबूत तो नहीं है। हाँ, अगर माननीय उच्च न्यायालय में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है कल या परसों में जो है याचिका दायर करेंगे, या फिर वहाँ पर अगर सुनवाई होती है, उच्च न्यायालय याचिका खारिज करता है या सुनवाई करता है, जैसा भी डिसीजन लेगा आयोग माननीय उच्च न्यायालय, तब उसके बाद कुछ हो सकता है मित्रों। लेकिन अभी 0% आपका जो है आशा है कि वीडियो रिजल्ट दोबारा आएगा। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों वीडियो रिजल्ट को लेकर के। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।